बाहर से लोग बैठे, जो दूसरे स्टेटों में जो मजदूर है उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, उसके लिए मॉनिटरिंग भी चल रही है। आज कल प्रयास उनको लाने का प्रयास हो रहा है, उनको लाएंगे, जो जाना चाह रहे हैं उनको वहाँ भेजेंगे, इसकी भी परेशानी नहीं होगी। पशुओं, उसके साथ साथ पशुओं की बात करूँ, पशुओं के लिए बाड़मेर शहर आप भरा हुआ था आवारा पशुओं से, आज देखोगे तो कोई आपको कहीं कोई नौ मात्र का मिलेगा। हमने प्रयास किया सारा उस नंदीशाला में, और भमासाओं से मैंने अपील की अभी इस चार दिन के अंदर कम से कम 135 गाड़ियों की तो घोषणा कर दी, प्रति गाड़ी 25,000 लोग रुपये दे रहे हैं, आगे आकर दे रहे हैं। तो ऐसे पुण्य कार्य में जो भी भमासा सहयोग कर रहे हैं, सरकारी सोच है सबको, हम किस तरह से इस भयंकर महामारी में हम उनको बचा पाए, मैं उनको धन्यवाद देता हुआ और निवेदन अपील करूंगा कि भमासाओं से और कहूंगा कि आप आगे आएँ, अपना अपने धन का सदुपयोग करें और कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए, सरकार के साथ साथ हम सब मिलकर इसको कैसे यहाँ से भगाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें, आप सब आए सबको सके। इसके अंदर हमने जो गरीब थे, जो वेंडर्स थे, मजदूर थे, उनके खातों में 2500 रुपये डाले और स्वयं उनके खाते में गए। उसमें बाड़मेर में 155 परिवार ऐसे थे जिनके खाते वो नंबर सही नहीं थे, इसलिए रुके, उसके लिए कल से ही हमने नगर पालिका के स्टाफ उनको भेज दिया कि उनके खाते सही करके आओ और उसमें वापस वो पैसे चले जाए, यहाँ से चले गए पैसे। और उसके साथ साथ आज भमासा योजना में कौन से वो दे रही है, पेंशन कितने लोगों को पेंशनों का सरकार दे रही है, और 2,00,000 सिर्फ एक विधानसभा बाड़मेर की बात करूँ तो सदस्यों को खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज मिल रहा है। तो मतलब कोई ऐसे ही कहीं भी नहीं है कि कोई किसी को सरकार का फायदा नहीं मिले। सरकार हर तरह से चाहती है कि हम इन गरीबों को कोई भी ऐसा, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, उनकी किस तरह से बेहतर सेवा कर सकें। पूरा प्रशासन लगा है, सारे भमासा लगे हैं, सारे इसमें लगे हैं, सबको मैं इस मौके पर धन्यवाद।